मालिक। अरे जाओ, अरे चुप हो जा, जल्दी से कहीं पानी लेके, पानी लेके अपना घर बार, अपने रिश्ते नाते, यहाँ तक कि अपनी जान देने जा रहे हो तुम। क्यों दिग्विजय, क्यों? अरे क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो तुम? अमूल, फिर वही लड़की दिग्विजय, जिस लड़की के लिए तुम अपनी जान देने जा रहे हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसकी आंखों से तुम्हारे लिए एक आंसू तक नहीं आएगा, बल्कि वो पहली ऐसी लड़की होगी जो तुम्हारी मौत पर खुशियां मनाएगी, और तुम उसके लिए अपनी जिंदगी फूंकने जा रहे हो। अरे उनके बारे में सोचो जो तुम्हें दिले जान से प्यार करते, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, उनकी जरा भी परवाह नहीं है तुम्हें। नहीं दिग्विजय, तुम अपनी जान ऐसे नहीं लुटा सकते। तुम्हें तुम्हारे अपनों के लिए अपने आप को सहज कर रखना होगा। आखिर क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? क्यों? तुम ठीक कह रहे हो विनोद, मेरे अपने आप को सजा देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सजा तो उनको मिलनी चाहिए जो मेरी बेइज्जती के लिए जिम्मेदार है। अमोली और उसके 2% के घर वाले, और वो गांव वाले जब खुली आंखों से मेरी टूटती हुई शादी का तमाशा देखते रहे, घर तो उनके जलने चाहिए। उनकी जिंदगी, उनका भविष्य, उनकी खुशियां सब जलकर खाक हो जाएंगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। नहीं दिग्विजय, प्लीज सब कुछ भूल जाओ। और नहीं विनोद, नहीं, मैं कुछ नहीं भूल सकता। तीर कमान से निकल चुका है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है विनोद। तो मेरी जिंदगी पहले जैसी हो सकती है, ना ही उन गांव वाले। बदलाव तो आकर रहेगा विनोद, या तो अमूली के फैसले में, या फिर उन गांव वालों की जिंदगी। धनी! हाँ जी बोल जी। कल ही गांव के मंदिर में पंचायत बुलाओ, और गांव का एक एक शख्स वहां होना चाहिए। जी मालिक। अब तुम क्या करने जा रहे हो? सबको जला देने की सोच रहा हूं। एक वैसी ही कोशिश जो कुछ देर पहले मैंने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोशिश नाकामयाब थी, और ये कोशिश कामयाब होगी। Vodafone presents Big Boss Season 3 आज रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। काय करायचं आता? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें अमोली के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ना ही हम उसे कौमुदी की तरह खो सकते हैं, और ना ही उसे ठाकुर के हाथों बर्बाद होते देख सकते। जरा सोचो ना, कुछ तो हल होगा इस मुश्किल का। आई वो सुमन, सुमन होगा, ठाकुर ने फिर से पंचायत बुलाई है। सभी गांव वालों को भी बुलाया है वहां पे। मुझे तो लगता है इसका संबंध कल रात जो मंदिर में हुआ है ना, उससे होगा।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो माँ भगवती की। अरे बहनी, यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे इन्हीं के वजह से तो ये सारा गांव यहाँ जमा हुआ है, इन्हें तो आना ही आना था।